Hello guys, welcome back to another video. Thank you for hopping in. I hope you guys are doing great. So, आज मैं आ रखा हूँ रामलीला में एट रेड फोर्ट लाल किला पे जो रामलीला होती है ये काफ़ी फेमस रामलीला है. यहाँ पे तीन चार होती है एक साथ. तो मैं आज आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो स्टे ट्यून. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें. सो यहाँ से इसकी एंट्रेंस है, इसकी काफ़ी एंट्रेंसेज है. ये मेन एंट्रेंस है जो एकदम रेड फोर्ट के सामने है और जो बिरला मंदिर के अपोजिट है. इस वाली रामलीला की फ्री एंट्री होती है, यहाँ आपको कोई एंट्री टिकट वगैरह नहीं लेनी पड़ेगी. बस जो चार्जेस वगैरह होंगे वो आपको अंदर गेम्स वगैरह जो आप राइड्स वगैरह इन्जॉय करेंगे उसके पे करने पड़ेंगे. एंड अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो आपको जामा मस्जिद या रेड फोर्ट का लाल किले वाला मेट्रो स्टेशन पास पड़ेगा. एंड काफ़ी हैपनिंग जगह है, अगर आप कोई कभी रामलीला में नहीं गए हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं. यहाँ पे काफ़ी फेमस होती है एंड काफ़ी बड़े लेवल पे होती है. जैसा कि आप देख ही सकते हैं यहाँ झूले वूले बहुत कुछ हैं. फैमिली के साथ आप आ सकते हैं, बच्चों के लिए काफ़ी एक नई जगह होगी, काफ़ी उन्हें एक्साइटमेंट होगी यहाँ पे आने के बाद. यहाँ पे पान मसाला वाले आपको काफ़ी होर्डिंग्स देखने को मिलेंगे क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली स्पॉन्सर करा है. ये यहाँ का फूड स्टॉल है, फूड एरिया बना रखा है इन्होंने बेसिकली. ये फुली एयर कंडीशनड है एंड यहाँ पे आपको काफ़ी वेराइटी ऑफ फूड मिलेगी. एंड अगर आपका फास्ट भी है तो भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाएंगे. काफ़ी सही एक्सपीरियंस है यहाँ पे. यहाँ पे आपको थोड़ा कॉस्टली मिलेगा सामान तो, पर देन अगेन दे आर प्रोवाइडिंग यू क्वालिटी, सो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा. एक जाइंट व्हील है इस पर मैं बैठा था और भाई मेरी सही में हालत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा. मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई थी, पर जब वो नीचे आता है तो आपको ऐसा लगता है आपके स्टमक में बटरफ्लाइज उड़ रही हैं. एंड वो मैंने लिटरली एक्सपीरियंस करा, पहले मैंने सुना ही था पर उस टाइम मैंने एक्सपीरियंस करा. एंड काफ़ी एक अच्छा व्यू आता है ऊपर से, तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपको डर भी लगता है तो आप वो ट्राई कर सकते हो, इतना मतलब सेफ़ है. 6 अक्टूबर तक लगा हुआ है तो इस टाइम फ्रेम के बीच में आप पहले कभी भी जा सकते हैं एंड आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे. ये एक छोटा सा वीडियो था. यहाँ पे पार्किंग भी मिल जाएगी आपको, पार्किंग की नाइट अगर आप 10 PM के बाद पार्क करते हैं तो उसके आपको नाइट चार्जेस पे करने पड़ेंगे जो कि 100 रुपीज़ हैं. बाकी तो फिर 4 आवर्स 50 रुपीज़ समथिंग लाइक दैट है. एंड मैं रिकमेंड करता हूँ आपको एक बार ज़रूर जाना चाहिए, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा. So that's all from my side. I hope you guys have enjoyed it. Jai Shri Ram, Happy Dashera. Goodbye.